दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की टॉप 8 बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत 8 नई वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। इंडियन रेलवे की ओर से सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों के लिए खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हों। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब है वो निकली है RRCWR रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 3,624 वैकेंसीज है। 27 जून से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना परीक्षा के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRC-WR.com पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है IRCTC रेलवे में। यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए भी वैकेंसीज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं पास ITI ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IRCTC.com पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SECR रेलवे में। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 772 वैकेंसीज है। 7 जुलाई तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 15 से 24 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SECR.IndianRailways.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है रेलवे ICF में। ITI अप्रेंटिस, नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 782 वैकेंसीज निकली है। 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास और ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी SST फीमेल को। URBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। बिना परीक्षा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो PB.ICF.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर की जॉब है वो निकली है RRCWCR रेलवे में। असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए 279 वैकेंसीज है। 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 19,900 सैलरी है। 10वीं पास ITI डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42, 45, 47 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो WCR.IndianRailways.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है SR रेलवे में। सीनियर टेक्निकल एसोसिएट STA की पोस्ट है। 30 जून तक आवेदन चलेंगे। 32,34,37,000 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SR.IndianRailways.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है SCR रेलवे में। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट JTA की पोस्ट है। 30 जून तक आवेदन चलेंगे। 25,27,30,000 रुपये सैलरी है। डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33, 36, 38 वर्ष आयु सीमा है। 250-500 रुपये फीस है। बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SCR.IndianRailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो 8 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली है IRCTC रेलवे में। अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हो। 10th पास ITI ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा।
ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IRCTC.com पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी रेलवे की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी, सीधी भर्तियों की अपडेट है। इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।